स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्ष 2022 और 23 के कार्यों के लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द ही काम हो सके। महाकाल मंदिर के कई कामों का निर्माण किया जा रहा है जो महाशिवरात्रि तक पूर्ण हो सके, इस पर निर्देश दिए गए हैं। महाकाल मंदिर क्षेत्र में कई काम स्मार्ट सिटी के द्वारा किए जा रहे हैं जिसे जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पर हुई बैठक में उज्जैन कमिश्नर और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को स्मार्ट सिटी कार्यों की जानकारी दी। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। 15 दिसम्बर तक बाकी बचे हुए टेंडर भी दे दिए जाएंगे। जनवरी में सभी कार्य शुरू हो सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं ताकि 2023 तक सारे कार्य पूर्ण किए जा सके। समीक्षा बैठक थी, इसमें जो भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसके संबंध में माननीय मंत्री जी को, सभागत महोदय को अवगत कराया गया है और जो भी उसमें डिस्कशन के बीच में सलाह आई है उन पर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उनमें लगभग सभी टेंडरिंग या तो हो गई है, वर्क ऑर्डर उनको जारी हो गया है। कुछ हमारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी हालत में दिसंबर 15 के बाद कोई टेंडर न जाए और जितने भी काम प्रारंभ होने हैं जनवरी में सारे के सारे प्रारंभ हो जाएं, जिससे कि 2023 की जो हमारी हम लोगों ने लक्ष्य अपने लिए रखा है जून 2023 का, तब तक हमारे सारे काम कम्प्लीट। इधर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि शहर में विकास कार्यों में अधिग्रहण की कार्यवाही में भवन भूमि स्वामियों को FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो का फायदा दिलाया जाएगा। प्रदेश में इसका फायदा भवन भूमि स्वामियों को मिला है। मुआवजे के रूप में FAR का फायदा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के माध्यम से उज्जैन में बाबा महाकाल को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और प्रयास करने के महाशिवरात्रि तक वो स्मार्ट सिटी का पहले इसके सभी निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो जाए, उसके साथ साथ उज्जैन में और बड़ी बड़ी सौगातें मिलती जाए। कुछ निर्णय किए हैं जैसे हमारी हेरिटेज होटल के रूप में एक तरह से बाकी जो कौन कौन संभावना हो सकती है उसमें काम करें। एक चौड़ीकरण को लेकर के जो मुआवजा देना पड़ता था, वो मुआवजा देने के लिए FAR का उपयोग जो आमतौर पर सरकार ने निर्णय के अंदर में बहुत लोग जुड़े हुए हैं कि FAR बेच करके लोगों ने थोड़ा करा दिया और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ा, तो उसका वैकल्पिक रूप से यहाँ कैसे मदद हो सकती है या कहीं ज़रूरत पड़े तो उसमें लाभ मिल जाए। इसी प्रकार से विकास के और जितने भी काम हैं उन प्रत्येक कामों को खुल करके बात की है। हमारे मयूरवन सहित जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है इनको समय सीमा में कंप्लीट कर दें और तुरंत चालू कर दें। साथ ही साथ जैसे स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल का एक प्रोजेक्ट हुआ है जो रुद्रसागर के पास है, तो एक्सीलेंस स्कूल हमारे यहाँ है। अब एक्सीलेंस स्कूल के अलावा भी जो अच्छे ग्रेड के बच्चे हैं उसने स्मार्ट क्लास और स्मार्ट स्कूल में 3-4 स्कूल एक साथ भेज रहे हैं, तो उनका ग्रेडेशन कर दें कि एक अच्छे ग्रेड के लिए एक स्कूल हो जाए, दूसरा सेकेंड वाला और एक थर्ड वाला हो जाए, तो अपने जो सरकारी संसाधन है उनका कितना अच्छा बेहतर उपयोग हो सकता है उस पर विचार करें। इसी प्रकार से सिद्धवट के प्रोजेक्ट में हमने कहा कि जो घाट के ऊपर बैठ करके श्रद्धालु जो क्रियाकर्म कराने आते हैं तो ठंड गर्मी बरसात में परेशान होते हैं, तो उनको छाया की व्यवस्था हो जाए ताकि कष्ट नहीं हो। ऐसे जो भी पैसा शासन का लगे उसका ज़्यादा बेहतर उपयोग हो इस पर हम। अच्छे ग्रेड के स्कूल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धवट पर श्रद्धालुओं को धूप ना लगे इसके लिए शेड बनवाने का प्रस्ताव रखा गया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।